अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। नकाश अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर है आज एक और मनी मेकिंग वीडियो को लेकर, एक नए बिजनेस आइडिया को लेकर, एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर आप लोगों के लिए। मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, कोई नया आइडिया डिस्कस करना। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन से लोग उस आइडिया को पिक कर फर्दर आगे मूव करते हैं और कौन से लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक उसको लेते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि देखें, कमाना इंसान ने खुद होता है, अर्न खुद करना होता है, कोई किसी को कमा के नहीं दे रहा होता, हर इंसान को अपना पेट खुद पालना होता है। तो ये और हमारे इस्लाम में भी यही है कि जो जितनी कोशिश करता है उसको उतना मिलता है। तो मेहनत आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती, आपको किसी न किसी रिटर्न में किसी न किसी तरीके से आपको वापस मिलती ही मिलती है। तो जी, आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या अर्निंग का जो एक नया आइडिया मेरे दिमाग में है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना है आसान अल्फाज में, ताकि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो कि आप भी वो काम कर सकें जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने भी किया है। तो वो जो है आइडिया, वो आइडिया किस प्लेटफॉर्म के थ्रू है, ऑफकोर्स ई कॉमर्स से रिलेटेड ही है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ही है। वो आइडिया है आपका अलीबाबा पे सेलिंग करने का, अलीबाबा पे अकाउंट बनाकर बेचने का, जहाँ से सारी दुनिया इंपोर्ट करती है, जहाँ से सारी दुनिया खरीद के अमेज़ॉन, ईबे और बाकी डिफरेंट जगहों पे जो लोग और गोरे हम लोग सारे लोग इंडियन लोग जो वहाँ से बाय करके, चाइनीज़ लोग वहाँ से बाय करके अमेज़ॉन वगैरह और उन सारी चीज़ों पे बेचते हैं। तो क्यों ना मैं आप लोगों को एक ये नया आइडिया देता हूँ कि जो आप लोगों ने वहाँ से खरीद के अमेज़ॉन पे बेचना है, अमेज़ॉन भी बहुत अच्छा है, उस पर भी हम बात करेंगे, ईबे भी बहुत अच्छा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ से जो कह लेंगे ना मेन, जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से सोर्स हो रहा है, तो क्यों ना हम उस सोर्स को पकड़ें, क्यों ना हम उस सोर्स पे बेचना शुरू करें कि जहाँ से जो एक रिटेलर बाय करता है, अमेज़ॉन एक रिटेलर स्टोर होता है, आपका एक रिटेल स्टोर होता है, लेकिन अमेज़ॉन पे भी तो कोई ना कहीं से वो बंदा बाय कर रहा है। तो वो बंदा कहाँ से बाय कर रहा है? वो बाय करते हैं अलीबाबा से, वो बाय करते हैं चाइना से। तो अब एक सिंपल तरीका मैं आपको आज बताऊंगा, एक सिंपल वे बताऊंगा, आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से बैठकर अलीबाबा पे कैसे एक सोर्स, एक कैसे होलसेलर, कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर या कैसे एक मैन्युफैक्चरर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अलीबाबा पे अपना सामान बेच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, चाइना में नहीं, यहीं पाकिस्तान से बैठ के अपनी पाकिस्तान की लोकल चीज़ें। अब ये खास तौर पे उन भाइयों के लिए है जो भाई खुद मैन्युफैक्चरर है, जो भाई खुद कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। या आप लोगों ने देखोगे, आप लोगों के रिश्तेदारों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पता नहीं होता, लेकिन उनके कारोबार बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो शुरू से, वो कह लेना बाय बर्थ उनका जो फैमिली होती है वो बिज़नेस कर रही होती है, तो वो भी समझे पढ़ते ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बिज़नेस में लग जाते हैं। मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक वो आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि वो लोग, उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो, लेकिन उनके बिज़नेस अच्छे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो चीज़ों को खुद बना रहे होते हैं, उन्हें चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती हैं। सेम एज इट इज़ ऐसे बहुत से होलसेलर्स भी आपने देखे होंगे, आपके अपने फैमिली में भी होंगे, आपके फ्रेंड्स में भी होंगे, आपके सारे सर्कल में ये लोग होंगे, लेकिन उन सब का बिज़नेस ऑफलाइन चल रहा होता है। तो इसका बहुत अच्छा आइडिया ये होता है कि ऑफलाइन तो वो लोग कर ही कर रहे हैं, तो इधर आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है, जिन लोगों को नॉलेज है, जो लोग जानते हैं कि जी ई कॉमर्स क्या है, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है कि वो इंटरनेट कैसे यूज़ होता है, इंटरनेट की दुनिया क्या है क्या नहीं है। तो अब जिन लोगों को नॉलेज है वो क्या कर सकते हैं कि वो ये कर सकते हैं, ये उन हजरात के लिए भी है जो खुद मैन्युफैक्चरर भी हैं और प्लस उन्हें नॉलेज भी है, और ये उन अफराद के लिए भी है जिनके पास नॉलेज है लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो इसमें अब सिर्फ मसला, या सिर्फ कह लो आप लोगों को जो एक इनिशियल चाहिए, जो एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बहुत कम से है और आप अपना बिजनेस पूरा इस्टेब्लिश कर सकते हैं अलीबाबा के ऊपर। आइए चले हम बात करते हैं कि हम किस तरह अलीबाबा पे पाकिस्तान में रह के रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब जी, जो अलीबाबा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ ये हैं कि आपको अलीबाबा जो है आप उसमें एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान भी उसकी लिस्ट में शामिल है, ऑथेंटिक सेलर्स में शामिल है। आप उसमें अपना अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ जो आप लोगों को इनिशियल एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो सिर्फ अलीबाबा पे, आपको एक ईयरली फीस होती है जो अलीबाबा पे एडवांस में सबमिट करवानी होती है, और उसके बाद आपकी वहाँ पे शॉप खुल जाती है। तो अलीबाबा की जो शॉप होती है उनकी तीन चार कैटेगरीज हैं, कि मतलब आप एज अ सेलर तीन चार उनके पैकेजेस हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, एक प्रीमियम है, एक मतलब एक्सक्लूसिव है, और एक बेसिक है, और इस तरह के तीन चार हैं।
तो जो कम से कम वाला है फॉर द स्टार्ट, हर पैकेज के अपने अपने आई मीन फायदे हैं, और मतलब उनकी अपने अपने कह लें उसमें जो फीचर्स हैं, लेकिन जो बेसिक है वो मे बी $1,399 से या $1,300 से स्टार्ट होता है, जो लगभग तकरीबन 2 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। तो आप सिर्फ 2 लाख रुपए अगर आपके पास पाकिस्तानी है, और वो आपके पूरे साल की फीस है, इसके अलावा आप लोग को और कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर आप उसको महीनों पे मिलाएं तो 15-20 हज़ार पे मतलब पर मंथ बनता है, या इससे भी थोड़ा बनेगा। तो आपने वो एक दफ़ा वो फीस सबमिट करवानी है, आपका अलीबाबा पे अकाउंट बिल्कुल जैसे आप आम साइन अप करते हैं वैसे साइन अप हो जाएगा, आप वो फीस देंगे, आप सेलर बन जाएंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ तक आप सबको बात समझ आ गई, यहाँ तक सबने अकाउंट बना लिए, यहाँ तक तकरीबन आधे लोगों को पता भी होगा कि जी ऐसे ऐसे होता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब वो लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑलरेडी ऑफलाइन अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन भी। जो लोग सिर्फ मुल्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिशावर से बैठ के कोई भी चीज़ बना रहे थे, तो वो सिर्फ इनर पाकिस्तान में, पंजाब में या दूसरे सूबों में, या मतलब सिर्फ सिटीज़ में अपना सामान बेच रहे थे, अब वो अपना सामान अपने मुल्क से भी बाहर भी बेचना शुरू कर सकते हैं। इसमें अब क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी अलीबाबा के लिए, कि आपने बस वो 2 लाख रुपए आपको चाहिए जिससे आपने अकाउंट खोला, और आपको एक एक्सपोर्टर चाहिए जो पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्टर आपको बहुत से एजेंट्स मिल जाएंगे, कोई एक दो एजेंट से बात करें, अच्छे रेट्स लें, आप लोगों का मसला हल हो गया, और आप एक चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो इस चीज़ में हमारे जो सरकारी अदारे होते हैं वो भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, आप जो डॉलर है वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, आप पाकिस्तान की चीज़ों को बाहर बेच रहे हैं, तो ये इससे पाकिस्तान की मईशत इंक्रीज होती है, तो ये चीज़ आप लोगों के फेवर में जाती है। तो अब सीन क्या होगा, कि ये होगा कि जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं उनको तो वो चीज़ सबसे कम प्राइस में एक तैयार हो रही होगी, तो वो सुकून से अपना जो माल है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेबर सस्ती है, यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, यहाँ पे हमें पैसों में चीज़ तैयार होगी लेकिन वो बिकेगी डॉलर्स में। अब जब वो डॉलर्स में बिकेगी तो आपके पास अच्छा खासा मार्जिन होता है, और फिर वो लोग आपके पास अच्छे प्रोडक्ट है, आप कुछ भी बनाते हैं, आप चप्पल बनाते हैं, आप बुनियाने बनाते हैं, आप अंडरवेयर्स बनाते हैं, आप जो भी बनाते हैं, आप सुई बनाते हैं, आप धागा बनाते हैं, आप कंघा बनाते हैं, आप ब्रशेज बनाते हैं, आप जो भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जो भी आप पाकिस्तान में कपड़े हैं, लेदर है, लेदर का बहुत काम है, जो पाकिस्तानी सेलर्स ऑलरेडी इंटरनेशनली अपना लेदर जैकेट्स, लेदर के सूट्स, लेदर के बाइकर सूट्स बहुत बहुत सेल कर रहे हैं, पत्थर है, स्टोन्स हैं, जो भी है, जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है आप उसको अलीबाबा पे सेल कर सकते हैं। तो जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं वो तो सुकून से लिस्ट अपनी ऑनलाइन स्टोर बना के अपना जो बिजनेस है वो इंटरनेशनली उसको ग्रो कर सकते हैं। और अब जो वो लोग जो लोग ना मैन्युफैक्चरर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना होलसेलर है, एक नया नौजवान है जिसके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको बस इनिशियली पहला कड़वा घूंट भरना पड़ेगा 2 लाख, वो कहीं से उधार पकड़ लें, किसी से ले लें, या अपने वो जो जिसका आप माल बेचना चाह रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स में है, जो सर्कल में जो मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके वो ये चीज़ ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, वो आपको पता है, आप उनको ये बिजनेस मॉडल समझाएं, उनसे ही 2 लाख वो कह लें इनिशियली, आप उनसे वो लें कि हम आपका बिजनेस ग्रो करेंगे, वो आप पे ट्रस्ट कर लें, बहुत अच्छी बात है, ना करें तो 2 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आज के दौर में, आपके अपना बिजनेस स्टार्ट होता है और क्या चाहिए आप लोगों को, अल्लाह खैर करेगा, ये जो 2 लाख आप अभी लगाएंगे क्या पता आपकी जो एक पहली डील या एक दो ऑर्डर्स में ही आपका ये 2 लाख पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो अलीबाबा है उस पर कोई ऑर्डर्स जो होते हैं वो अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा MOQs में होता है, MOQs कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, आप MOQs भी सेट कर सकते हैं कि जी मिनिमम इतना आप ऑर्डर करेंगे तो हम आपको आपका वो ऑर्डर लेंगे, तो ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अब जो लोग जिनके पास मैन्युफैक्चरर नहीं है, जो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, होलसेल नहीं है, अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ उस जिस वो मैन्युफैक्चरर को जानते हैं उनकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लेनी है, उनकी फैक्ट्री की पिक्चर्स लेनी है, उनका सारा कुछ आई मीन डिटेल्स लेनी है, उनकी जो भी बिजनेस है, बिजनेस लाइसेंस वगैरह की सारी पिक्चर्स डाल के आप उनके वो कह लें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे ऑनलाइन अलीबाबा पे। जैसे ही आप वो ऑथराइज्ड एजेंट बन गए उनके, उन फैक्ट्री का वो आई मीन एक ऑथराइज्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, आप कमीशन बेस पे काम करें, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको जब ऑर्डर आएगा आपको वो पैसे भर देगा, आप उधर से ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर बनवाएंगे, ऑर्डर सबमिट करवा देंगे,
ऑर्डर जब आपके बायर को पहुंच जाएगा, पैसे तो ऑलरेडी मिले होंगे, आप अपना कट अपने पास रखेंगे, जो मेन आपकी जहाँ से आपने सोर्स किया होगा, आप उस मैन्युफैक्चरर को उसके पैसे दे देंगे, उसका बिजनेस भी ग्रो, वो भी खुश, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी मार्जिन है, क्योंकि वो ऑलरेडी होलसेल पे बेच रहा है, वो तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर के बेच रहा है, उसने अपना मार्जिन रख के आपको देना है, आप इधर अपना मार्जिन रखेंगे, और इधर मार्जिन के चांसेस ज्यादा हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डॉलर्स में इनकम आएगी, तो इस तरह आप अलीबाबा के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। मजीद इस पे जो एक टेक्निकली, अगर हम अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक एक आइडिया था, इस पे जो टेक्निकली अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं, वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं फिर एक टेक्निकल वीडियो भी बनाऊंगा। अब देखें, ये मैंने आइडिया दे दिया, अब जो इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो शिकरे होंगे, वो खुद ब खुद इस आइडिया को पिक करेंगे, उनका दिमाग चलने लग जाएगा, उनके दिमाग में ना यूं 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 उन्हें डॉलर्स भी नजर आने लग जाएंगे, उन्हें चीज़ें भी नजर आएंगी कि हाँ, मेरा जो फलाना दोस्त था वो ये काम करता है, मेरे खानदान में ये, हाँ ये बंदा इस चीज़ का मैन्युफैक्चरर है, हाँ ये बंदा इस चीज़ का होलसेलर है। तो देखें, जो जो शिकरा होगा वो पिक कर लेगा, और वो जैसे ही पिक करेगा, उसने था एक लम्हा ही होता है, वो कहते हैं ना, आप मेहनत करते हो, एक आइडिया होता है, वो आपको यहाँ क्लिक करता है और फौरन से आपका वो, कह लेना, वही लम्हा होता है, अगर उस लम्हे को आपने काबू कर लिया, आप कामयाब हो जाते हो। बहुत से ऐसी मिसालें हैं जो डॉलर से डॉलर्स बना रहे हैं अलीबाबा के थ्रू, तो आप क्यों नहीं बना सकते? बाकी इस पर जो मजीद क्वेश्चन होंगे, वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, इस पर मजीद बहस करेंगे, इस पर मजीद मैं वीडियोज़ बनाऊंगा इस बिज़नेस को लेकर, और मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। ऑलरेडी मेरा भी चल रहा है बिज़नेस, मैंने भी किया है, अभी नहीं किया, अब तो मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अलीबाबा में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद भी बताऊंगा मैं क्या बेच रहा था, अब क्या बेचना चाह रहा हूँ, और क्या आगे बेचूंगा, और कैसे कैसे होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को प्रमोट करिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, क्या पता किसी एक को भी ये आइडिया क्लिक कर जाए और वो अपने हलाल रोज़ी जो है इनकम अपनी बनाना शुरू कर दे, और बस मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर 10,000 लोग भी देखते हैं, और अगर उसमें से एक बंदे को भी इससे फ़ायदा मिल गया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मेरी पूरी हो गई, मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, नकाश अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।